गम से बिछड़ा तारा मैं ना बन जाऊं, कभी गम से बिछड़ा तारा ना मैं बन जाऊं, वही जो सच अंदर है वही सबको बताऊं। जिंदगी की राहों में चल पाएंगे हम, जिंदगी की राहों में चल पाएंगे हम, ऐसे सितारों को देखेंगे चांद ले आएंगे। उम्र 7 वर्ष, कक्षा 2 का छात्र, 3 वर्ष हो गए काव्य रचना में उतरे हुए। इन्हें रचना करने की आवश्यकता नहीं, बस आप चर्चा कर दीजिए, काव्य की लहरें प्रवाहित होने लगेंगी। जी हाँ, बाल कवि अर्णव पांडे मशहूर कवि लेखक श्री वरुण पांडे जी के पुत्र हैं। बालक को जैसे माँ सरस्वती का सीधे आशीर्वाद प्राप्त हो, तो लीजिए काव्य का अद्भुत स्वरूप देखिए, जो एक बाल कवि के वाणी से सीधे प्रवाहित हो रहा है। संपदा न्यूज के लिए मैं अंजनी कुमार उपाध्याय। पहले बताइए अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम अर्णव कुमार पांडे। और किस क्लास में हैं आप? सेकंड है। आप कविता करते हैं? जी। कब से करते हैं? कितने दिनों से? दिन मतलब साल? एक साल, दो साल, तीन चार साल से। वाह, गजब। तो आप हमें एक कविता सुनाएंगे जो आपको सबसे अच्छी लगती हो, सुनाइए जरा सा। सितारे हर दिल चमकना पास आएंगे, सितारे हर दिल चमकना पास आएंगे, वही जिंदगी की दूरी सबको बताएंगे। रास्ते चिट्ठी ले आ रही है, रास्ते चिट्ठी ले आ रही है, वही दर्द सबको बता रही है। रूठकर इतना माना फूलों की खुशी में जा रहा हूँ, रूठकर इतना माना कि फूलों की खुशी में जा रहा हूँ, ऐसा है तो फूलों के घर में आ रहा हूँ, ऐसा है तो फूलों के घर में आ रहा हूँ। कभी गम से बिछड़ा तारा मैं ना बन जाऊं, कभी गम से बिछड़ा तारा ना मैं बन जाऊं, वही जो सच अंदर है वही सबको बताऊं। जिंदगी की राहों में चल पाएंगे हम, जिंदगी की राहों में चल पाएंगे हम, ऐसे सितारों को देखेंगे चांद ले आएंगे हम, ऐसे सितारों को देखेंगे चांद ले आए हैं हम। उतनी बातें दिल ने कही थी जो चमक ना पाएंगे, दिल से बिछड़े तारे को हम ना पा पाएंगे, दिल से बिछड़े तारे को हम ना पा पाएंगे। जब तक तू है जगे मेरे दिल में, जब तक तू है जगे मेरे दिल में, हर आवाज आती है मेरी तुझसे हर रात आती है, रोकर माना कि फिर मैं आ जाऊंगा, रोकर माना फिर मैं आ जाऊंगा, किताबों में तेरा नाम लिखकर फिर मैं चला जाऊंगा, किताबों में मैं तेरा नाम लिखकर फिर मैं चला जाऊंगा। कैसे कभी चांद भी रिश्ता बन जाता है, कैसे कभी चांद भी रिश्ता बन जाता है, जो बात रिश्ते ने कही थी वो फूलों को बताता है, जो बात रिश्तों ने कही थी वो फूलों को बताता है। कभी चांद की हर दूरी मेरे दिल में बस ना जाए, कभी चांद की वो दूरी दिल में ना बस जाए, ऐसे चमके सितारे की पूरी दुनिया को बताए कि जग में बैठा हुआ रो रहा हूँ मैं, कि जग में बैठा हुआ रो रहा हूँ, चिट्ठी बेच के खो रहा हूँ मैं, चिट्ठी बेच के खो रहा हूँ मैं। बहुत सुंदर। ये कविता तुमने खुद लिखी है? मैं लिखते नहीं, एकदम ये धारा प्रवाह शुरू हो जाते हैं। और जो नहीं, जैसे जैसे ये आप जो बोल रहे हैं पहले से आप इसे कुछ जो तुरंत आता जाता है कि तुम तुरंत अपने मुंह में आया बोलते चले। जैसे कि पहले कभी नहीं सुना थे, पहली बार सुना रहे हो यहाँ पे? पहली बार सुना रहे हो आज? नहीं, ये कविता ये कविता आज आपको जैसे कि कब लिखे उसको? लिखा नहीं हूँ, पहली बार सुना रहा हूँ। जैसे कविता याद नहीं रहती, बोलता हूँ वो याद नहीं रहता, जो बोलते हुए याद नहीं रहता। तो इतनी कितनी कविताएं बोल चुके हैं अब तक आप? 500 मान लीजिए, कम से कम। कम से कम 500 तो है।
तो वह सिर्फ कहीं रिकॉर्डेड नहीं, सिर्फ इसे बोलते चले गए? नहीं, लाइव होता हूँ कभी कभी, यूट्यूब पे भी चैनल है। अच्छा, यूट्यूब पर किस नाम से चैनल तुम्हारा? अर्नव कविराज अर्नव। अच्छा चलो, उसको हम देखेंगे, ठीक है ना? हमारे भी चैनल से आते रहते हैं। हाँ, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अगला एक और सुनाइए। हाँ, एक कविता। कैसे दिल से बिछड़ा तारा मैं बन जाऊंगा, कैसे दिल से बिछड़ा तारा मैं बन जाऊंगा, अगर तू दूर है तो मैं पास आके तुझे गले लगाऊंगा, अगर तू दूर है मैं पास आके तुझे गले लगाऊंगा, इतनी इतने बड़े पहाड़ों पे फिर मैं चल तेरे पास आ जाऊंगा, इतने बड़े पहाड़ों पे चल मैं तेरे पास आ जाऊंगा, सच की चिट्ठी सितारों में लिख के बताऊंगा, सच की चिट्ठी सितारों में लिख के बताऊंगा, कभी कभी ना कभी तो दिल बुलाएगा ही, नजर अंदाज देख जाएगा ही, कभी तो कभी दिल बुलाएगा ही, नजर अंदाज देख जाएगा ही, कौन से हर किताबों में फूलों की खुशबू आने लगी है, कौन से हर किताबों में फूलों की खुशबू आने लगी है, वही सच बात बताओ कि वो कहानी किसने बताई है, कब तक होता रहेगा मेरे दिल के अंदर कि तुम ना मिल पाओगे, ये कब तक होता रहेगा दिल के अंदर तुम ना मिल पाओगे, लुक्का छुपी बहुत हुई दिल को सच बताओगे, लुक्का छुपी बहुत हुई दिल को सच बताओगे।